सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। कहा जा रहा है 2019 का चुनाव मोबाइल के जरिए लड़ा जाएगा। मोबाइल को नेताओं ने अपना चुनावी हथियार बना रखा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए नेता लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 2019 चुनाव के सबसे बड़े इस हथियार में शायद हैकरों ने सेंध लगा दी है। लोगों के स्मार्ट मोबाइल फोन में अपने आप आधार का टोल फ्री नंबर सेव हो रहा है। क्या पता कल आपके मोबाइल से किसी को अपने आप कॉल भी लग जाए। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह सिर्फ खबर के तौर पर वायरल नहीं हो रही, बल्कि ये हकीकत है। और सुबह से ही लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि उनके मोबाइल से कौन खेल रहा है और इससे हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल जो भी कुछ हमारे मोबाइल में है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए और ऐसा एक्शन कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई किया जाना चाहिए इन सारे नंबरों के बारे में, कि अगर हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं और मुझे खुद पता नहीं है ये नंबर कैसे सेव हुआ मेरे फ़ोन में, अचानक ये आके सेव हो रहा है और बाकी लोगों पे भी आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है और सिक्योरिटीज़ हमारी क्या वाकई है या नहीं है? अगर अचानक मोबाइल में आके ये सेव होता है तो ये सिक्योरिटी पे सवाल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है, अब लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनकी मर्जी के बिना आधार कार्ड की हेल्पलाइन का नंबर अवैध रूप से सेव हो गया है। इसका मतलब कुछ लोगों ने आपके फोन और उसकी सूचनाओं तक अपनी पहुंच बना ली है। इनमें वो लोग भी होंगे जो कहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। तो क्या वाकई में आपके फोन में कोई अवैध तरीके से सेंध लगा रहा है? आखिर आधार का हेल्पलाइन नंबर कैसे स्मार्टफोन में अपने आप सेव हो जा रहा है? हमने इस बारे में इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लेनी चाहिए तो वहां से जवाब मिला कि इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आधार की ओर से भी ट्विटर पर सफाई दी गई है कि उन्होंने किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या मोबाइल निर्माता या एंड्रॉइड कंपनी को 1800-300-1947 या 1947 को पब्लिक सर्विस के डिफॉल्ट लिस्ट में डालने को नहीं कहा है। तो सवाल ये है कि आपके मोबाइल से कौन खेल रहा है? कहीं कोई हैकर आपके मोबाइल तक तो नहीं पहुंच गया? आपके मोबाइल में कौन घुस गया है? ट्विटर पर हैशटैग UIDAI ट्रेंड कर रहा है। आधार सफाई दे रहा है कि इस काम में उसका हाथ नहीं है। मोबाइल कंपनियों की जो संस्था है उसने भी साफ किया है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तो बड़ा सवाल यह कि देश के सामने आपके मोबाइल में आखिर कौन घुस गया है? लोगों के मन में जो सवाल है वो इस वक्त एबीपी न्यूज अब आपके सामने रखने जा रहा है। देखिए, लोगों के जेहन में कहीं किसी ने मोबाइल हैक तो नहीं कर लिया, इस तरह के सवाल लोगों के जेहन में है। मोबाइल से आपका निजी डेटा तो चोरी नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का है। मोबाइल में घुसपैठ से बैंक खातों को तो खतरा नहीं है, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और वहीं देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने एबीपी न्यूज को बताया है कि ये हैकर का काम हो सकता है। देखिए, ये जो सामने आया है प्रकरण, ये केवल उदाहरण है एक नए प्रकार के साइबर आक्रमण का। और ये आक्रमण का सीधा ताल्लुक पिछले एक हफ्ते से हुई घटनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, जब एक हफ्ता पहले सरकार के एक बहुत टॉप रैंकिंग ऑफिशियल ने ओपन चैलेंज और चुनौती दे दी कि किस तरीके से आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है विभिन्न प्रकार के हैकिंग और साइबर क्रिमिनल थॉट प्रोसेसेस दुनिया भर में एकदम जागृत हो गई और उन्होंने कहा कि चलिए अब हम नए नए तरीके अपनाते हैं किस तरीके से हम आधार को टारगेट कर सकें, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि आधार पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। और देखिए, यही अभी जो एंड्रॉयड के माध्यम से किया गया है उसी दिशा में एक कदम है। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक सिंगल वेकिंग अप का अलार्म है भारतवासियों के लिए। तो क्या देश पर हुआ है साइबर अटैक? मोबाइल फोन में नंबर का यह विवाद इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि विपक्ष इसे ईवीएम से जोड़ने लगा है। ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां नए सिरे से एकजुट हो रही हैं और सरकार की सहयोगी शिवसेना भी चाह रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही हो।
तो शक शुभा के बादल हटे तो प्रजातंत्र महफूज रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं बैक टू बैलेट। अगर एक आध दो केसेस भी गड़बड़ी के नजर आ गए कि जहां मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, 100% विश्वास अगर नहीं है तो उसे बदलना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जहां ये मशीन का काम शुरू हुआ और फिर बैलेट पर आए, तो हिंदुस्तान को भी एक दफा फिर बैलेट पर जाने पर क्या मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम। आरजेडी, एनसीपी और कांग्रेस के सांसदों ने आज एक सुर में एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से कहा कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। असल में कल से ही ये मुद्दा थोड़ा ज्यादा गर्म है, इसलिए आज हमने सांसदों से संपर्क किया। कुल 17 पार्टियां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव चाहती हैं। अगले हफ्ते चुनाव आयोग में इन पार्टियों के जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब तो सरकार की साझेदार शिवसेना भी चाहती है कि देश भर में चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हों। सारे प्रगत देशों में भी वो वापस बैलेट वोटिंग पर आए हैं, तो इस पे सर्व पक्षों को बैठना चाहिए, सर्व पार्टियों को, और इलेक्शन के कमीशन के साथ एक डिटेल मीटिंग होनी चाहिए। ईवीएम वर्सेस बैलेट से चुनाव का यह विवाद काफी समय से चल रहा है। हालांकि जब जब बीजेपी जीतती है तब तब विपक्ष ईवीएम को लेकर हल्ला मचाता है, और विपक्ष की जीत होती है तो ईवीएम पर सन्नाटा छा जाता है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेर रही है। ईवीएम पर सवाल खड़ा करना ये हमारे द्वारा लाया हुआ नहीं है, ये लाया हुआ तो यूपीए की गवर्नमेंट के समय चालू हुआ था, और ईवीएम में उनकी सरकार 10 साल रही। अब मुझे लग रहा है कि जनाधार खिसक रहा है, अब मुझे लग रहा है कि इनको जनता पर विश्वास नहीं। ये बात सही है कि कई जगह ईवीएम को लेकर शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि तकनीकी दिक्कतें कभी कभी आती हैं, लेकिन इस मशीन में छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। फिर भी विपक्ष तकनीकी तौर पर देश को 2 दशक पीछे ले जाकर बैलेट से चुनाव चाहता है। वैसे आपको बता दें, पूरे देश में ईवीएम के जरिए चुनाव 2004 में पहली बार हुए थे, और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस आई थी, लेकिन अब वही कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि यूपी में एसपी बीएसपी के साथ पार्टी गठबंधन करेगी, यानी यूपी में महागठबंधन का रास्ता साफ होने के संकेत कांग्रेस सूत्रों ने दिए हैं। कांग्रेस सिर्फ अमेठी, रायबरेली तक ही सीमित नहीं रहेगी, यानी सीटों के बंटवारे पर बात होगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यूपी बिहार में ठीक से गठबंधन हो गया तो मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे। यूपी में गठबंधन को लेकर एक रणनीतिक समझ बन चुकी है, सीटों के बंटवारे पर अभी बात होनी बाकी है। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 230 से 240 सीटों की जरूरत होगी। यदि इससे कम सीट आई और च्वाइस मिली तो एनडीए के सहयोगी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे। बीजेपी के खिलाफ व्यापक गठबंधन को लेकर प्रमुख विपक्षी दलों में एक भाव है कि सबसे पहले अपने अपने क्षेत्र में ताकत के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी और आरएसएस को हराना है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ महागठबंधन और नेतृत्व की प्रक्रिया दो स्तर की है, पहले अपने गढ़ में चुनाव लड़े और फिर जीत कराई सीटों के आधार पर फैसला हो कि प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी का गठबंधन यूपी में हुआ तो फिर बीजेपी को भारी नुकसान होगा। 2017 के चुनाव नतीजों को आधार माने तो इस गठबंधन को 80 में से 61 सीटें मिलेंगी और बीजेपी सिर्फ 19 पर रह जाएगी। तो महागठबंधन अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हो सकती है, ये जानकारी हमने आपको दी। और अब आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, नागरिकता विवाद मामले में ममता बनर्जी कल काला दिवस मनाने वाली हैं। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक ममता की पार्टी ही है। कल असम जाने से पुलिस ने रोक दिया तो आज संसद में हंगामा हुआ। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिए उससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो 40 लाख लोग नागरिकता के ड्राफ्ट में नहीं है उन पर फैसला 2019 के बाद होगा। महिला पुलिस कांस्टेबल इन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसी बीच ये देखिए टीएमसी विधायक महुआ मोइत्रा पुलिस कांस्टेबल से भिड़ गईं।
पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ये देखिए कैसे पुलिसकर्मी के हाथ से निकलकर भाग निकली और नीचे गिर गए। असम में एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सिलचर एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन राज्य में धारा 144 लागू होने की वजह से पुलिस ने रोका तो टीएमसी नेता झगड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। इसी मुद्दे पर टीएमसी ने संसद में हंगामा किया और देश में अघोषित इमरजेंसी का आरोप लगा दिया, जिसके बाद गृह मंत्री को खुद जवाब देना पड़ा। इज इट नॉट एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री इटसेल्फ? इज इट नॉट इफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी आल्सो पीपल कुड हैव मूव्ड? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए यह सिचुएशन डिटोरिएट न करने पाए, इस बात की चिंता करते हुए जो भी वहां सम्मानित सदस्य गए थे उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया था, और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि बहुत ही फोल्डेड हैंड से वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे फोल्डेड हैंड से बराबर ये रिक्वेस्ट करते रहे कि धारा 144 लगी है और जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उस आधार पर आपका बाहर जाना उचित नहीं होगा। पिछले चार दिनों से नागरिकता के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता की पहचान का मुद्दा राजीव गांधी के समय शुरू हुआ था, लेकिन मुकाम पर उनकी सरकार ने पहुंचाया। इस बयान के बाद कांग्रेस ने काफी शोर शराबा किया। अब 1985 में सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रहे राम प्रधान ने इकोनॉमिक टाइम्स में दिए इंटरव्यू में कहा है, राजीव गांधी सरकार ने वोट बैंक प्रभावित होने के डर से असम समझौते को लागू नहीं किया था, क्योंकि वहां पर बंगालियों और मुस्लिमों के बीच एनआरसी को लेकर बहुत गुस्सा था। यानी वोट बैंक को लेकर एनआरसी से सरकारें बचती रही, लेकिन असम के नागरिकता रजिस्टर से जिस तरह से 40 लाख लोगों के नाम नहीं है उसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि सभी को नागरिकता साबित करने का पर्याप्त मौका मिलेगा। किसी के विरुद्ध कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा। जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र अपेक्षित हैं एनआरसी के लिए दिए जाने के लिए, वह सारे आवश्यक प्रमाण पत्र देने पर किसी भारतीय नागरिक का नाम नहीं छूटेगा, उस भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी में शामिल किया जाएगा। यानी इस प्रक्रिया के पूरा होते होते शायद 2019 का चुनाव निकल जाए और तब इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती रहेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। मुजफ्फरपुर रेप कांड को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर विपक्ष कल दिल्ली में धरना देने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घटने कि हम लोग शर्मसार, इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानी के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर विपक्ष के तीखे हमलों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है और इस कांड में शामिल गुनहगारों को किसी भी कीमत पर ना बख्शने की बात कही है। इसकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दी है कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग उसकी जांच होनी चाहिए ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं। कल ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड पर मुंह खुलवा कर रहूंगा, उनकी आपराधिक चुप्पी तुड़वा कर रहूंगा, उनके कुंभकर्णी अंतरात्मा को जगा कर रहूंगा। आज नीतीश कुमार ने भले ही मुजफ्फरपुर रेप कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन ये विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर लालू की पार्टी धरना देने वाली है। परसों हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे और ये दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं किस प्रकार से अपराधियों को बिहार में संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और नई डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। इस मामले में नीतीश कुमार राज्य की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की वजह से भी निशाने पर है। विपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन मंजू वर्मा इस्तीफे के मूड में नहीं है। मंजू वर्मा के पति का नाम रेप कांड में सामने आ चुका है और नीतीश पर विपक्ष ब्रजेश ठाकुर से नजदीकियों का आरोप लगा रहा है। देखना ये है कि मंजू वर्मा की कुर्सी नीतीश कब तक बचा पाते हैं।
लखीमपुर खीरी में बाढ़ राहत का जायजा लेने गई यूपी के मंत्री स्वाति सिंह को आज भैंसा गाड़ी पर चढ़ना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। आ इधर आओ। अरे रुको यार। लाल किला में आज बात होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ये योजना पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हरियाणा की हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हरियाणा से ही योजना की शुरुआत की थी, इसीलिए हमने पड़ताल हरियाणा में ही की है। देखिए पंकज झा के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट। लाल किला में कल हमने आपको दिखाया किस तरह हमारी पड़ताल में मोदी का गोद लिया गाँव जयापुर पास हो गया, जबकि सोनिया राहुल और मुलायम के गोद लिए गांव में विकास गुमशुदा दिखा। खाली ये बिजली लग गया तो क्या लगा, कुछ नहीं लगा। आज आपको दिखाएंगे उस वादे पर पड़ताल जो मोदी ने लाल किले से देश की बेटियों के लिए किया था। भाई बहनों के अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यूं ही नहीं दिया, इस नारे की हकीकत से आपको वाकिफ कराएं। इससे पहले आप ये गीत देखिए। काश यही सच होता जैसा मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। और ऐसा क्यों नहीं है, इसीलिए तो हम आ गए हैं हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी इसी राज्य से की थी, कुछ सोचकर ही उन्होंने किया होगा। इस राज्य के मिजाज को जानने के लिए और बेटियां क्यों ना आगे बढ़ें, बेटियां क्यों ना आगे पढ़ें, उनके संघर्ष की गाथा और परिवार की सोच, आस पड़ोस की मानसिकता, और क्या वजह है कि हरियाणा उस संकट से जूझ रहा है जहाँ लड़के अधिक हैं लड़कियां कम होती हैं। इन्हीं की पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए और साथ ही सरकार को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है उसी के लिए हम आ गए हैं हरियाणा। यही वो हरियाणा की धरती है जहां साल भर पहले बेटियों ने पढ़ाई के लिए आंदोलन कर दिया था। ये उसी वक्त की तस्वीर है, रेवाड़ी में पिछले साल मई महीने में पढ़ने और बढ़ने के लिए बेटियों ने सिस्टम को झुका दिया था। बात पिछले साल की है जब इस स्कूल की कुछ लड़कियों ने इस गेट को ऐसे बंद किया, ताला लगा दिया। आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया होगा, लड़कियां पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, यहाँ इस स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई थी, वो 12वीं तक यहाँ पढ़ना चाहती थी, वो भी क्यों? उसके पीछे की वजह थी जिस रास्ते से होकर उनको गुजरना पड़ता था, दूसरे स्कूल तक जाना पड़ता था, वो ठीक नहीं था। कुछ परेशानियाँ भी थी, छेड़खानी की शिकायतें भी थी, और इसीलिए लड़कियाँ यहाँ धरने पर बैठ गईं और फिर 13 दिनों तक उस कड़ी गर्मी और भारी उमस में वो भूख हड़ताल पर बैठी रहीं और आखिर में उनकी जीत हुई उनके हिम्मत की, हौसले की और उनके संघर्ष की। पिछले साल मई में आंदोलन हुआ था, रेवाड़ी जिले के राजगढ़ में 13 दिनों तक लड़कियां धरने पर बैठी रहीं। 10वीं के आगे तक की पढ़ाई इसी स्कूल में चाहती थी, स्कूल में सुविधाओं की तब किल्लत थी। शुरू में तो सरकार ने बच्चियों के इस आंदोलन को हल्के में लिया, लेकिन जब बात राजगढ़ की गलियों से निकलकर देश भर में फैली तो सरकार को झुकना पड़ा और स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की घोषणा हुई।
बहादुर बेटियों के इस गांव में हमारी मुलाकात सबसे पहले करीना से हुई। करीना के पिता खेती करते हैं। करीना का सपना पुलिस अफसर बनने का है। करीना, ये बताओ कि किस क्लास में हो तुम? 12वीं। 12वीं। क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस क्यों? मैं अपने देश की सुरक्षा करना चाहती हूँ पुलिस बन के। तो पुलिस ही क्यों? मेरे शुरू से ही सपने है मैं पुलिस बन। किसी को देखा है क्या हंटर हंटर चलाते हुए? हंटर हुए चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हमारे धरने पे जो लेडीज आई हुई थी ना, उन्हें देखा था। तो क्या कर रही थी कि तुमको पुलिस बनने का मन किया? मेरे सपने शुरू से ही ऐसे कि पुलिस बनूं, देश की रक्षा करूं और जो लड़कियों पे अत्याचार होते हैं उन्हें रोकूं। करीना की दोनों बड़ी बहनों की पढ़ाई बंद हो गई है, लेकिन बड़ा भाई शहर के कॉलेज में पढ़ता है। करीना की माँ की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी। हमने पूछा, नरेंद्र मोदी को जानती हैं? तो मुस्कुराते हुए उनका जवाब आया, आपने ही मोदी जी को वोट डाल दिया था। फिर डालने का मन कर रहा है? फिर कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। महिलाओं के लिए कुछ किया क्या उन्होंने? नहीं, बाकी जो और महिला है उनके लिए तो कुछ किया, हमारे लिए तो अभी तक कुछ किया नहीं। फिर भी मन करता है, मतलब कुछ करेंगे और भी आगे करेंगे। ऐसा क्या लगता है कि आपको उम्मीद है अभी भी? उनकी भाषण सुनते हैं, उनकी बात सुनते तो लगता है कुछ और भी करेंगे। लोग तो कहते हैं जुमलेबाज हैं, खाली भाषण करते हैं। ना, बड़े पीछे कुछ किया भी है और भी करेंगे, हो सके तो हम भी, और भी उम्मीद है भाई, मतलब कुछ और आगे करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी कुछ हो सकता है। मुझे पता चला कि स्कूल में पढ़ाई के लिए हुए आंदोलन की असली नेता अंजलि थी। अंजलि के घर का पता लगाते हुए हम वहां तक पहुंच गए। अंजलि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं, इसलिए स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन उनका सपना पुलिस अफसर बनने का है। अच्छा बेटा, आप तो बीमार इतना रहती हो, तो आप जो कह रही हो कि आप पुलिस अफसर बनना चाहती हो, फिर कैसे बनोगे? अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलो। तुम रनिंग करती हो? स्पोर्ट्स में भी तुम्हारे क्या करती हो? रनिंग, एक्सरसाइज और अभी तो कबड्डी के लिए भी ट्राई कर रही हूं। अच्छा, कबड्डी खेलना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि मैंने 2-3 लड़कियों से बात की, सब पुलिस वाले क्यों बनना चाहती हो? शायद पसंद हो किसी को। मैं क्यों? तो क्यों, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। पुलिस की वर्दी अच्छी लगती है मेरे को, तो वर्दी पहननी है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने स्कूल में धरना क्यों दिया था? उसमें जो धरना दिया वो तो सबने देखा, हमने भी जाना, पढ़ भी लिया मैंने गूगल पे जाके तुम्हों के बारे में, पर तुम लोग उसी स्कूल को क्यों 12th तक ले जाना चाहती? गांव के स्कूल में पढ़ाई अलग ही होती है, बाहर जाने में प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? ये लड़कियों के साथ बस में छेड़खानी वगैरह हो जाती है, तो कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है, नेगेटिव सामान ले लो आप, तो उन्होंने मतलब अपने बच्चों को भेजते नहीं है। अभी हमारा स्कूल जो प्लस टू तक हुआ है ना, अभी 2 साल से लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी हुई है, अब के बाद प्लस टू में एडमिशन लिया है, क्योंकि गांव से बाहर भेजते नहीं उनके माँ बाप, तो पढ़ नहीं पाती। अंजलि से बात करने के बाद हम गांव की गलियों में घूमते हुए पहुंच गए सोनिका के घर। रास्ते में सोनिका के पिता वीर सिंह की परचून की दुकान मिली। इसी छोटी सी दुकान से परिवार चलता है। वीर सिंह को लेकर हम उनके घर पहुंच गए। यहां घर में ढेर सारे मेडल दिखे। पता चला सोनिका के भाई कुश्ती में नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। खुद सोनिका भी कबड्डी की खिलाड़ी हैं और इसी खेल में घर वालों का नाम रोशन करना चाहती हैं। मेरा तो फिलहाल कबड्डी खेलने का वो है। कबड्डी ही क्यों? हाँ, क्या? कबड्डी ही क्यों? रुचि जिस खेल में होती है उसी रुचि है मेरी बहुत ज्यादा कबड्डी। तो मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं कबड्डी? मम्मी के पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों में से कौन ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? दोनों बराबर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम डिप्लोमेसी ना करो। पापा मम्मी कौन अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। अच्छा, सोनिका मेहनत के दम पर आगे बढ़ने में जुटी हुई हैं, लेकिन उनकी बहन मोनिका के लिए घर वाले रिश्ता खोज रहे हैं और मोनिका का सपना अधूरा रह गया है। ये तो कुछ गिने चुने मेडल हैं। मनीष कुश्ती की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, घर परिवार का नाम रोशन कर रहा है। उसकी छोटी बहन मोनिका 10वीं तक ही पढ़ाई पूरी कर पाई, चूँकि स्कूल में से ऊपर के क्लासेस थे नहीं। अब वो सिलाई कढ़ाई कर रही है, पर ख्वाहिशें उसकी भी छोटी सी थी।
वो एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी। मोनिका घर में ही रहकर परिवार का हाथ बटाती है। आपने कितनी तक पढ़ाई की थी? 10th। 10th तक पढ़ाई की थी, तो आपको क्यों नहीं आइडिया है कि आप भी ये जो कर रहे थे ये लोग बच्चे, तो आप भी ऐसा कर सकते थे? आपके तब हम पढ़ते थे तब हमारे साथ की लड़कियों की शादी कर देते थे। क्यों? तो मतलब इतना गौर नहीं करते थे, सब छोटियों को करते थे शादी। तो छोटियों को शादी कर दी तो कोई साथ नहीं देता था। अब तो पूरा सपोर्ट है, गांव का भी सपोर्ट है। नहीं, आपके साथ जो लड़कियां थी उनमें से अधिकतर की शादी हो गई? हाँ, सारी हो गई थी। ऐसा क्यों? हमारे गांव में करते हैं, अब तो थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा बाल विवाह ज्यादा करते हैं हमारे गांव में। गांव में बाल विवाह होता है? हाँ, अब तो नहीं है। अच्छा, अब नहीं करते। तुम्हारी तो मम्मी बाबा ने शादी नहीं कराई? लेकिन नहीं भाई, हम तो अपने दम पे नहीं करवाते। तुमको पढ़ाई का अफसोस है छोड़ने का? अफसोस तो है ही, तो फिर स्कूल ही नहीं था तो बहुत दूर जाना पड़ता था, तो चली जाती। अरे तो कोई साथ वाला नहीं था ना, सारी जो फ्रेंड थी उनकी शादी हो गई, अब ये अकेली कहाँ जाए। अच्छा, तो दुख होती होगी कि छोड़ दिया? दुख तो होता ही होता। राजगढ़ की लड़कियां 12वीं की पढ़ाई पूरी भी कर लें तो आगे का क्या भविष्य है? कॉलेज शहर में है, गांव से बाहर निकलते ही मनचलों का आतंक शुरू हो जाता है। लड़कियां करें तो क्या करें, घर की चार दीवारी से लेकर स्कूल के दरवाजे तक मुश्किलें ही मुश्किलें, इन्हीं रास्तों से होकर उन्हें स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है। और रास्ते के किनारे जिस तरीके से शराब की दुकानें हैं, वहाँ पर लोग जमा रहते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, छेड़खानी होती है। अब वो बच्चे लड़कियां पढ़ाई करें तो कैसे? हरियाणा में बेटियों का संकट कम नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 1000 लड़कों के मुकाबले 877 लड़कियां हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही आंकड़ा 933 का है। हरियाणा के कई जिलों में तो 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 800 से भी कम रह गई। छोड़ा मरे निर्भाग का और छोरी मरे भगवान की, इसको यूं समझिए कि अगर किसी बेटी की मौत हो गई तो फिर वो भाग्यशाली है, और अगर बेटा तो फिर वो दुर्भाग्यशाली है। ये सोच, ये मानसिकता हरियाणा में आज से नहीं दशकों से चली आ रही है। ज़रूरत इसको बदलने की है। थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अब भी बाकी है। हरियाणा में बच्ची के जन्म लेने पर घर में खुशियां नहीं मनाई जाती, लेकिन बेटे के जन्म पर तो दिवाली और होली साथ मनती है। धार्मिक मान्यता ये रही है कि अगर बेटा अंतिम संस्कार करे तभी मुक्ति मिलती है। डॉक्टर, दलाल और अल्ट्रासाउंड वालों का बड़ा नेटवर्क है यहाँ। गर्भ में ही बच्चियों की हत्या, यहाँ करोड़ों का कारोबार है। हरियाणा में जो संकट है उसमें डॉक्टरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश भोला। और सर ये बताइए कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि बेटियां कम होती हैं और बेटा अधिक होते हैं, उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो भ्रूण हत्या होती है वो सबसे बड़ी वजह है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं उनकी तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम और बहुत से इंसेंटिव भी उस स्कीम के तहत जो है हमारे जो आम जनता है, जो पेशेंट्स यहाँ पहुँचते हैं उनको दी जा रही है। उसके साथ साथ जो अवेयरनेस कैंपेन है वो बहुत चल रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग तो भाग ले ही रहा है, और अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो कॉमन मैन है और एनजीओज हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए तो मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत से शुरू की। ये बात 22 जनवरी 2015 की है। तब से अब तक क्या बदला, ये जानने समझने के लिए हम रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक होते हुए जींद पहुंच गए। यहाँ आने पर हमें एक दिलचस्प जानकारी मिली, और वो ये कि जब लड़के लंबे समय तक कुंवारे रह जाते हैं और शादी उनकी नहीं हो पाती है, ख़ास तौर से गरीब तबके के लोगों में, तब फिर वो पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश से लड़कियाँ खरीद कर लाते हैं, फिर उनके साथ शादी रह जाते हैं। और ऐसे ही कई दंपतियों से, महिलाओं से और उनके पतियों से हमारी मुलाकात भी हुई। पता चला कि रधाना गांव में ऐसे कई जोड़े हैं, लड़की बाहर की है और लड़का हरियाणा का। ललिता और बलजीत की शादी के 14 साल हो गए।
ललिता कोलकाता में पली बढ़ी, बलजीत ट्रक चलाते थे। घर वालों को उनके लिए हरियाणा में लड़की नहीं मिली तो उन्होंने खुद लड़की का इंतजाम पैसे देकर कर दिया। ललिता कहती हैं शादी कर ससुराल आने पर शुरुआत में उन्हें खूब ताने मिले। ये बताइए कि आप जब कोलकाता से आई, वहीं पली बढ़ी, यहाँ आई हरियाणा में, तो सब चीज फर्क होता है, खाने का, बोलने का, तो फिर कैसे आप लोगों से घुली मिली? घर में दरअसल शहर में तो यहाँ लड़ाई झगड़ा सबकी होते हैं, माँ भाई बहन बादौरानी जेठानी जेठ दौर सबके साथ ही लड़ाई झगड़ा तो सबकी चल है ना, तो थोड़ा बना इस तरह। आपको शुरुआत में दिक्कत हुई होगी अलग अलग कल्चर खान पान बोल? तो दिक्कत तो आवे है, बोल में आवे है भाषा में, फिर नो एक दो भी तो आवे है, फिर मोदी जी को आप जानते हैं? मोदी ना जानो, जानते हैं, अच्छा काम करता है, काम कुम तो अच्छे करता है, अच्छा गरीब की तो कुछ करता है नहीं बस। हरियाणा के कई इलाकों में लड़कों को दूसरे राज्यों से लड़कियां खरीदकर बिहार आना पड़ता है। गरीब परिवारों में ऐसा ज्यादा हो रहा है, लोग जमीन बेचकर अपने लिए दुल्हन खरीद रहे हैं। रुधाना गांव के सरपंच ने बताया कि उनके गांव में ही कई ऐसे मामले हैं। वे बताते हैं कि मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से हालात सुधरने लगे हैं। जी बताइए कि जो बेटियों का संकट है वो कितना बड़ा संकट है? ऐसा है, मतलब ये हमारे देश की विडंबना लगा लो, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी सोच कुछ हद तक ठीक थी और कुछ हद तक कुछ ऐसे मामले थे जिनकी सोच छोटी थी। उनकी सोच ये थी कि भाई हमें लड़का चाहिए, लड़की तो पराया धन है और लड़का अपना कमा के देगा, ये सोच थी। वो सोच अब मतलब हमारे देश से मिटती जा रही है और बेटियों का अब सम्मान मिला है देश में, जैसे खेलों में नाम कराया है उन्होंने, आगे बढ़ के दिखाया है बेटियों ने, तो अब वो सोच मिट गई। ये सुधार हुआ उसके लिए क्या मोदी जी तो को नहीं मानते आप? नहीं, मोदी जी भी हैं और साथ में सरकारों ने तो किया ही है, मतलब सरकार कोई भी आई उसने, सरकार ने तो इसकी ओर ध्यान दिया ही है, मोदी जी ने भी बहुत ये मुहिम आगे बढ़ा दी, मतलब पिछली सरकार ने भी किया था और मोदी जी ने उस मुहिम को थोड़ा और ओपन करके आगे बढ़ा दिया। हरियाणा में बेटियों की घुटती संख्या से किस्म किस्म की समस्याएं खड़ी हो गई। राज्य में आए दिन लुटेरी दुल्हनों के किस्से सुनने को मिलते हैं। भाभी जी घर पर नहीं हैं। इस इलाके में कई लोग एक दूसरे से मजाक में यही सवाल पूछते हैं और इसकी वजह भी है। ऐसा होता है कि शादी होती है और कुछ दिनों के बाद भाभी जी गायब हो जाती है, जिसे इस इलाके में लुटेरी दुल्हन के नाम से कहा जाता है। लड़कियाँ कम है इस इलाके में, लोग शादी कर लेते हैं, लड़की के बारे में पता नहीं होता है और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो लड़की नहीं, उनकी दुल्हन नहीं, लुटेरी थी। जाट परिवारों में इस तरह की घटनाएं अधिक हुईं। बिना लड़की को जाने पहचाने शादी हो जाती है, जब सच सामने आता है तब दूल्हे का घर लुट चुका होता है। परिवार बसाने के बदले कचहरी और पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक तरफ कल्पना चावला, साइना नेहवाल, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसे नाम और चेहरे हैं जिनकी चमक दमक से हरियाणा ही नहीं पूरा देश रोशन होता है। दूसरी तरफ ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाती। घर में भी उसके साथ जो होता है वो कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी आपको ये लगा कि घर से बाहर निकल कर रेसलिंग वगैरह में कभी आपको दिक्कत हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे और फैमिलीज में होती है लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी फैमिली में, क्योंकि सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो सबको पता है कि स्पोर्ट्स में क्या किस चीज़ की जरूरत होती है किस चीज़ की नहीं होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके कई साथी ऐसे होंगे, सहेलियाँ ऐसी होंगी जो आपकी तरह बनना चाहती होंगे शायद ना बन पाई हूँ? जी, जो उनकी फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करती क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते, ज़्यादा पढ़ने नहीं देते। पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की थी। बेटी बचाओ योजना के लिए 2018 और 19 में 280 करोड़ का बजट रखा गया है। मोदी ने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ योजना लॉन्च की थी। हरियाणा में लड़कियों का अनुपात काफी कम है, इसलिए मोदी ने इस जगह को चुना।
पंकज झा की पड़ताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से लोगों में अब जागरूकता दिखाई दी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।